एक उदाहरण पेश करते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं, एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका वो स्वयं ही करते हैं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वो ही करते हैं और वो हमारे लिए उदाहरण देते हैं। हमने अपने परमात्मा के पद चिन्हों पर चलना होगा। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, सबके धारण पोषण करता और स्वयं फिर कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहे हैं, कपड़ा बुनते हैं, उसकी जो मेहनताना आ जाता है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी, उससे अपने कुनबे का गुजारा करते हैं, परवरिश करते हैं और फिर भी कुछ बच जाता है उसमें से पैसा, तो भंडारा धर्म पुण्य कर देते हैं। अब यहाँ परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन दो बच्चे मृत जिंदे किए थे, जीवित किए थे। दो, एक लड़का जिसका नाम कमाल रखा, जो 12-13 वर्ष की आयु का था और उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों ने उसका संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं जो मुर्दा शरीर अंत होने के बाद। तो परमात्मा ने शेख तकी एक नामक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के पीर की जिद पर उस लड़के को जीवित किया था, फिर उसका नाम कमाल रख दिया था, अपने साथ अपने बच्चे के रूप में उसको रखा, फिर भक्ति दी। इसी प्रकार शेख तकी की लड़की कमाली लड़की 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कब्र में दबा दिया था और परमात्मा ने चाहा था कि ये शेख तकी भी समझ जावे, इसकी बुद्धि ठिकाना आ जावे, इसलिए कब्र से निकलवा कर उस लड़की को जीवित किया था। उस लड़की ने अपने पिता को त्याग दिया, अपने ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल पिता यानी परमेश्वर कबीर जी को अपना पिता मानकर उनके साथ रही। तो ये दो बेटियां थी, परमात्मा के कोई पत्नी नहीं थी। परमात्मा कबीर जी का ये परिवार था, उनके दो मुंह बोले माता पिता थे जिनको परमेश्वर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप में मिले थे। ये परिवार था। तो परमेश्वर ने अपने इस बिचली पीढ़ी के लिए, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम चरण में परमात्मा आए थे काशी में और मगर से वो सह शरीर चले गए थे, 120 वर्ष तक यह लीला करके गए थे और अपने ज्ञान का प्रचार कर गए थे, जिसको आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने, जो परमात्मा के शिष्य थे, जिसके विषय में पिछले समागम में वो सत्संग सुनाया था, उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा के उस अमृतवाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लिपिबद्ध किया था, जो आज हम पढ़ और सुना रहे हैं आपको, जिसके आधार से ये दास आपको सत्संग विचार सुना रहा है। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रचार किया था, लेकिन वो नकली संत ऋषि महर्षियों ने, ब्राह्मणों गुरुओं ने परमात्मा के इस ज्ञान को हमें स्वीकार नहीं करने दिया, ये कहकर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, जिस कारण से ये वेदों और ग्रंथों और पुराणों को, गीता को नहीं समझ पा रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उसमें तो ये दाल उनकी गलगी, लेकिन परमात्मा ने को पता था कि बिचली पीढ़ी आवेगी, तब शिक्षा का प्रचार करवाऊंगा, ये सब गॉड गिवन है जो हमें प्राप्त है। आप पिछले इतिहास देख लो, सतयुग त्रेता द्वापर में माया की इतनी दौड़ नहीं थी, जनता को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं करते थे, लेकिन एक वर्ग को, एक वर्ग जो है, जैसे ब्राह्मण वर्ग था, वो पढ़ता था, अक्षर ज्ञान ग्रहण करता था, उन्हीं के बच्चे अक्षर ज्ञान ग्रहण करते थे और बाकी जनता को परमात्मा की जानकारी वो मौखिक दिया करते थे और अन्य व्यक्तियों ने कोई
ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जिस कारण से अक्षर ज्ञानहीन प्रजा ने, जनता ने उन ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों को जो संस्कृत भाषा जानते थे, महाविद्वान और वेदों और पुराणों के, गीता जी के ज्ञाता मान लिए थे, और उन्होंने जैसे भी जो दंत कथा हमें सुनाई हमने स्वीकार कर ली थी, और परमेश्वर ने आके बताया था वो 600 वर्ष पहले वो ज्ञान के ये ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जितने देवता हैं ये सभी नाशवान हैं, ब्रह्म भी नाशवान है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है, केवल एक पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना भी नहीं करनी चाहिए, ना ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञान का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था उस समय, और उनकी दाल भी गल गई थी क्योंकि जनता परमात्मा से दूर हो गई थी। जबकि 64 लाख शिष्य परमात्मा के थे और 64 लाख शिष्य वैसे ज्ञान से नहीं हुए थे, वो समाधान से हुए थे। परमात्मा के पास जो भी आ जाता था दुखी प्राणी उनके आशीर्वाद से, और जो वो मंत्र जाप के लिए देते थे कुछ उससे, वो ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे, उनका निर्धनता भी समाप्त हो जाती थी। लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन भ्रमित करने वाले नकली गुरुओं की बातों में आगे और भगवान से दूर हो गए थे। उन्हीं में से आप जी हैं आज जो परमात्मा की शरण में आ रहे हैं। वो 64 लाख शिष्य जो 600 वर्ष पहले प्रभु के थे वो सब विमुख हो गए थे, चले गए थे, यानी परमात्मा से दूर हो गए थे, भक्ति छोड़ दी थी, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने थे। गुरुद्रोही वो होता है जो परमात्मा गुरुदेव का विरोध करता है, उनके बारे में मुंडिया छी कहता है, और वो गुरुद्रोही कहलाता है। लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं हुए थे और वैसे ही भक्ति छोड़ गए थे लोक लाजमा के या किसी तरह से, तो वही आप हैं जो अभी तक भटक रहे हो। परमात्मा की तरफ भी आपके अंदर है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आप जी को ये 5 मंत्र दिए थे। पहले केवल 5 ही मंत्र दिया करते थे प्रभु, केवल कुछ एक आत्माओं को सतनाम दिया था और कुछ एक को सारनाम दिया था, और उनसे कसम दिला दी थी कि तुम अभी इस नाम को उजागर नहीं करोगे, ना ही किसी को आज्ञा प्रदान करोगे, तुम स्वयं जाप करो। कारण क्या था कि उस समय ये नकली संत महंत ऋषि गुरु ब्राह्मण इसी यथार्थ मंत्र को जो आज ये दास प्रकट कर रहा है प्रभु कबीर जी और गुरु जी के आदेश से, ये पहले ही यही नाम दे देते, यही विधि बताते मिलते तो, और उनके बताने से यानी अनाधिकारी से ये मंत्र भी अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो उससे भी लाभ नहीं होना, वो भी जीवन व्यर्थ हो जाता। तो इसलिए उनको मना कर दिया था कि आप नहीं बताओगे, स्वयं जाप करो। अपने आत्माओं, जैसे कल शाम को आपको बताया था, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, युग जय गुरुदेव पंथ, युग ठाकुर जी महाराज, ये एक ही कुएं का पानी है। शिवजाल जी के द्वारा चलाए गए वो 5 नाम हैं जो 5ों नाम काल के हैं, उनसे अलग है मोक्ष नाम, वो इनको पता नहीं था। और यदि ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और ये सतनाम और ये सार नाम पहले से डिक्लेयर हो जाता तो ये नकली संत पंथ यही नाम देते पाते, फिर हम भिन्नता नहीं बता सकते थे आपको। और उनके देने से ये नाम काम नहीं करता क्योंकि वो अधिकारी नहीं। पुण्यात्माओं, तो ये सत्संग, ये भक्ति मार्ग जो है एक बहुत ही सुचारू और सेंसिटिव है, इसमें जरा सी भी गफलत, जरा सी भी अवहेलना, जरा सी भी शास्त्र विरुद्ध साधना आपको हानि कर देती है। परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु जी के बताए अनुसार सत साधना करो, और एक दिन आन उपासना और पूजा कर लेना। कहते हैं
फिर वो परमात्मा से उसका कनेक्शन कट जाता है और फिर काल की डोरी उसके गले में डल जाती है, फिर बंदर की तरह नचाता है। कभी ब्रह्मा बना देगा, कभी विष्णु बना देगा, कभी शिव बना देगा, कभी इंद्र बना देगा, तुम्हारे ही पुण्य तुम्हारे ही सिर पे रखेगा। और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो गधा बना देगा। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को बहुत संभाल के रखना है। इस भक्ति मिलने के बाद आप जी को कितनी केयर टेक करनी है ये ध्यान रखना। जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को बेटी को गर्भ रहा हो और फिर वो कितनी चिंतित रहती है कि हे भगवान कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना टिक जा, तेरा बालक खराब हो जा, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खाई जा जिससे बालक गर्भ खराब हो जा। और रात्रि के समय सोते समय भी करवट लेती है तब भी उदड़क कर पड़ती है, एकदम चिंतित हो जाती है और देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं आ गया। तो परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसका ठेस नहीं लगन देना, ये एक नो सोच लो भक्ति रूपी गर्भ आप जी को प्राप्त हो गया। और इसको कितनी सावधानी से प्रफुल्लित करना है, ये लाल बनाना है, सब क्रियाओं को आपने सावधानी से बरतना है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के मोक्ष मार्ग का यथार्थ ज्ञान देते हुए कहा था, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कल रात के सत्संग में इसी परमात्मा की इस अमर वाणी को प्रमाणित करने के लिए 2.5 घंटे का सत्संग हो गया था और वो नो की नो फेर रह गई, अभी स्टार्ट अब फेर करनी पड़ेगी। अब गुरुजी के बिना साधना जो करते हैं और नकली गुरुओं से भी जो साधना करते हैं, अब उनकी साधना उनकी भक्ति व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है। जैसे कल आपको प्रमाणित किया, उन्हीं की लिखी पुस्तक उनकी जीवनी में दिखाया, किसके, राधा स्वामी पंथ के प्रमुख प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी परम धनी हजूर जी की के दुर्गति हुई, वो भूत बनया क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, उनने कोई गुरु धारण नहीं किया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी को अपने आप भक्ति करता है गुरु जी के बिना, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या प्रमाणित करते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हो भी गुरु कीने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। अब प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे हिंदू वर्ग, आप राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, फिर आपकी क्या औकात बुनियाद है कि आप गुरु ना बनाओ और पार हो जाओगे, वैसे जाप कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो बिना गुरु के। तो पुण्यात्मा, समझदार को संकेत तो बतेरा है, संकेत ही बहुत होता है जिसने भगवान की प्राप्ति करनी है और अपनी दिशा ठीक करनी है भक्ति की। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य, फिर बाद में वो शिष्य बने, पहले उनको गुरु धारण किया। इनको महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण को कैसे गुरु बनाया, जब परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के हो गए थे, लीला में आयु में 5 वर्ष की 5 वर्ष में